हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो कैसा सब चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ क्या है, शाम का समय हो रहा है और मैं यहाँ पर अपने बाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में तेल भी लगा लिए हुए हैं और बस जस्ट मैं अभी फ्री हूँ तो मैं अपने बाल बना रही हूँ। इसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी वगैरह करूँगी। और मेरा बाबू भी सोया हुआ था तो वो भी सो के उठ चुका है। तो सो के उठने के बाद तो इसको मम्मी से प्यार चाहिए होता है तो इसलिए आज आ गया मेरे पास। इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं इसको इस पर भी ध्यान दे रही हूँ। और ये देखिए एकदम कितना शांत है। नहीं तो जब ये नींद में नहीं होता है जब वो अच्छे से, तब वो पूरा मोबाइल के सामने पूरा मस्ती करता है। तो ये देखिए इसका चेहरा देखने में कैसा लग रहा है, सो करके उठा है तो कितना क्यूट लग रहा है, एकदम बहुत ही प्यारा। और मेरा कंघी करना भी हो गया है तो इसको भी मैं थोड़ा सा रेडी वेडी कर देती हूँ तो इसको भी मैं कर दूँगी जब ये नींद से उठाए। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो कैसा सब चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो अभी शाम का समय हो रहा और अभी मौसम कैसा किया हुआ है? अभी मौसम तो बहुत अच्छा देखने में लग रहा है लेकिन इतनी गर्मी लग रही है, धूप बिल्कुल नहीं है। अभी 4 बज रहा और धूप बिल्कुल भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही और बारिश का दिन है और इतनी गर्मी लग रही है ना, लग रहा है जैसे अभी बारिश होगा या नहीं होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो अभी जस्ट मैं अभी शाम का समय है तो मैंने कंघी वगैरह कर लिया, बाल में तेल वगैरह लगा लिया है मैंने और आ गई बस छत में ऐसे ही टहलने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, पता नहीं बारिश होने को रहती है ना तो इसी तरह गर्मी लगती है, उमस वाली वैसी ही गर्मी लग रही है। और ये देखिए बाबू भी यहीं पर है। जो छत आता है ना तो जो दीवार है ना रेलिंग, उसके ऊपर से वो उधर देखने लगता है चढ़ के, इसलिए मैं छत इसको लेके आती नहीं हूँ और खुद भी इतना जल्दी नहीं आती इस वजह से, क्योंकि मैं आऊँगी तो फिर ये भी आएगा और ये आएगा तो फिर बदमाशी करेगा और बच्चा है तो आप समझ सकते हैं। और इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं क्या बोलूँ। तो अभी शाम है तो हम लोग क्या है ना, गांव में तो जल्दी ही खाने बनता है तो मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी। तो आज मेरे यहाँ बनने वाला है चिकन, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर तो चिकन बनाते हैं, फिर मैं भी बनाती हूँ पर मैं कम बनाती हूँ। पर गैस नहीं है तो चूल्हा में बनाना है तो वो चूल्हा में वो तो बना नहीं पाएंगे तो मैं ही बनाऊँगी चूल्हा में। तो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ तो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी थोड़ा टाइम है तो मैं अभी थोड़ा यहाँ थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ, इसके बाद में जा कर के फिर मैं अपना रात का खाने की तैयारी करूँगी। तो आप लोगों से मिलूँगी उसी टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। तो छत में ही थी मैं तो सोचा कि आप लोगों को अपना घर का पीछे का साइड का व्यू दिखा दूं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ देखने में, ग्रीन ग्रीन छत से ऐसा सब दिखता है, बहुत बड़ा सा बाउंड्री है। और वहाँ जो पेड़ लगा हुआ है सागवान का, वो भी हम ही लोग का है, पेड़ लगाया गया है लकड़ी के लिए, लकड़ी का काम आएगा, उससे फर्नीचर वगैरह भी आप बना सकते हो या फिर जो आपका मन करे वो कर सकते हो। तो नीचे देखिए इधर भी पूरा बाउंड्री है इतना बड़ा, इधर से लेकर के एकदम उधर तक पीछे तक। और ये देखिए इसकी बदमाशी, इसीलिए मैं इसको छत लाती नहीं हूँ, बहुत बदमाश है। इसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज मेरे घर में बनने वाला था चिकन, आप सभी को बताया था मैंने, तो इतना सारा मैंने प्याज लिया हुआ था और इन सभी को मैंने काट लिया। वह जीरा गोलकी का पेस्ट है या अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसको मैंने काट लिया हुआ पूरा अच्छे से।
इसके बाद मैंने तेल को गरम कर दिया हुआ है। कढ़ाई में हल्का सा यूज्ड ऑयल था क्योंकि बाबू के लिए थोड़ा सा चिकन फ्राई किया गया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। और इसमें मैंने फटाफट से प्याज डाल दिया फ्राई होने के लिए, और इसमें मैं नमक भी डाल दूंगी साथ ही साथ, पर वो वीडियो क्लिप ऐड नहीं करी मैंने नमक डालते वक्त क्योंकि डिलीट हो जाता है। तो फिर ये देखिए ऐसे कुछ फ्राई हो गया है, प्याज बिल्कुल एकदम अच्छे से देखने में कितना मस्त लग रहा है, एकदम एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्राई होकर के। तो इसके बाद ही मैंने नमक डाल दिया हुआ था, इस वजह से तुरंत फ्राई हो गया। इसके बाद ये 1.5 किलो चिकन है जो कि मैं आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में टोटल अभी 8 जन है, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन है ताकि सबके लिए हो। और ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। इसके बाद इसको मैं कुछ देर इसको भी भूनूंगी जब तक ये वाइट हो जाता है, अपना पानी ना छोड़ने लगे। इतना देर में इसको पूरा फ्राई करूँगी चिकन को भी। और ये देखिए कितना अच्छे से पक रहा है, चूल्हा में भी पका हुआ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद मैं इसमें 3 टमाटर जो थे मेरे उसको काट करके मैंने इसमें डाल दिया। चिकन में टमाटर डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मतलब चिकन है ना जो खाने में थोड़ा अलग लगता है। इसके बाद मैं हल्दी और इसके बाद धनिया पाउडर डाल दूंगी। और ये देखिए चिकन से कितना पानी छोड़ रहा है, तो इसको मैं कुछ देर फिर से पकाऊंगी मसाला डालने के बाद। और इसमें मैं अभी मिर्च और अदरक लहसुन और जीरा गोलकी का पेस्ट नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे मेरे घर में बच्चा भी है, मेरा बाबू भी खाएगा तो वो तीखा तो खा नहीं पाएगा, इस वजह से हम लोग पहले उसके लिए एक कटोरी में निकाल दूंगी अलग से, इसके बाद में उसके हिसाब से बना रही हूँ। इसके बाद में सारे तीखी मिर्च वगैरह वो सब डालूंगी, पहले उसके लिए निकाल लूंगी बना करके पहले, इसके बाद में सारे टोटल मसाले डालूंगी, नहीं तो वो तीखा खा नहीं पाएगा। तो ठीक से बिना पकाए हुए तो उसको दे नहीं सकते, थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि थोड़ा अच्छे से पक जाए, इसके बाद में उसको निकाल करके दे दूँगी पकाने के बाद। तो इसको ढक के पकाऊंगी और ये देखिए पक के रेडी हो चुका है एकदम थोड़ा सा, इसके बाद में उसको निकाल करके दे दूंगी उतार के, चूल्हा से हम लोग नहीं लेते हैं। इसके बाद देखिए उसके लिए मैंने निकाल लिया हुआ है। इसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया। इसके बाद अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्च और जीरा गोलकी का पेस्ट इसमें डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी अच्छे से, इसको भी पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, इसके बाद इसको फिर से पकाऊंगी, इसके बाद ये बन के रेडी हो जाएगा। तो कुछ देर इसको पहले चला लेते हैं, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और इतना टेस्टी मेरे से बना था ना ये चिकन, और लहसुन भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ, पानी भी डाल दिया है मैंने, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। सब मेरा इतना तारीफ़ कर रहे थे चिकन का कि मैंने कितना टेस्टी बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये देखिए इसको मैं ढकने के लिए छोड़ दे रही हूँ पकने के लिए। और इसके बाद मैंने इसमें खड़ा मसाला नहीं डाला था गरम मसाला, तो मैं मीट का मसाला डाल रही हूँ इसमें, और पक चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद इसको मैं उतार करके रख दूंगी। तो आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये चिकन भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, इसके बाद मैं सबको गर्मा गर्म दे दूंगी। आप लोगों से अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।